is Miris Kumari with your very own show Weekend Buzz. So guys, how are you? I'm doing mashallah really good. आप सब सुनाइए क्या हो रहा है. और आज तो कराची का मौसम भी बहुत जबरदस्त है. Well, when I was coming, when I was on the way, so I was thinking, यार come on, अगर आज नहीं होता शो तो मैं कहीं और चली जाती, कुछ घूमती फिरती, फैमिली के साथ इंजॉय करती, कहीं हैंग आउट होता, लॉन्ग ड्राइव होती या फिर कहीं बीच पे चले जाते. लेकिन मैं तो हूँ बिजी, आप लोग तो हैं फ्री. सो व्हाट्स योर प्लान फॉर टुडे? वेल, जहां भी जाना है जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है. पहले आप देखेंगे 3 बजे तक मेरा शो और उसके बाद आप अलाउ हैं कहीं भी जा सकते हैं. वेल, उससे पहले कहीं नहीं, हाँ, वरना फिर खत्म दोस्ती. एनी हाउ, सो हम चलेंगे अपने प्रोग्राम की फर्स्ट सेगमेंट की तरफ और स्टार्ट करते हैं फॉर्मली. एंड ऑफकोर्स यू नो कि हमारे साथ शुरू में होते हैं कौन होते हैं, आप तो जानते हैं जी कौन होते हैं. वेल, हमारे साथ होते हैं डॉक्टर समर, जो कि हैं जील साइंसेस के एक्सपर्ट. और लास्ट टाइम जब हमने उनको फर्स्ट टाइम इनवाइट किया था अपने शो में और उसके बाद जो हमें रिस्पांस मिला, इट वाज लाइक अमेजिंग. हमें बहुत सारी ईमेल्स मिली और बहुत से लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए. तो आज हमने ये पूरी लिस्ट तैयार की हुई है और ये सारे क्वेश्चन मैं इनसे करूँगी. सो लेट्स वेलकम डॉक्टर समर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए. माशाल्लाह अच्छी है, शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. वेल, आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन. सो आपका क्या प्लान है, कहीं आप जाएंगे फैमिली के साथ आज? मैं जाऊं ना जाऊं, मेरे अंदर का मौसम अच्छा. ये पॉइंट टू बी नोटेड, एक्चुअली होता यही है कि अंदर का मौसम अगर खूबसूरत हो तो बाहर सब कुछ बहुत जबरदस्त लग रहा है. कहीं पे भी जाएं आप, अच्छा लगता है, सब है ना? कुछ, सब बिल्कुल कुछ सही, बिल्कुल सही. एंड यू नो, हमें बहुत सारी ईमेल्स मिली हैं. आपका जो फर्स्ट शो हमारे साथ हुआ उसके बाद वी वर एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग कि लोगों को इतनी सारी क्यूरीज होंगी, इतना सारा लोगों के दिमाग में जुस्तुजू होगी पूछने की, पता करने की. एंड आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस, सो हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते. मैं वन बाय वन स्टार्ट करती हूँ. बिल्कुल सही, लोग लाइक करते हैं बहुत सारी एजिल साइंसेस को और नेचुरल थेरेपीज को, नेचुरल लाइफ को लाइक करते हैं. तो इसलिए जिस तरह के मौसम अच्छा होता है, हमारे अंदर के मौसम भी अच्छे होने चाहिए. अच्छा, और एक और बात है जो कि अभी अनाउंस की है डॉक्टर समद ने, और वो ये कि आज जो जो इस सेगमेंट में, यानी कि डॉक्टर समद के सेगमेंट में हमें कॉल करेंगे, उन कॉलर्स के लिए स्पेशली आप सबको एक रिस्पेक्ट देने के लिए, इन्होंने इनकी जो बुक्स हैं उसमें से एक बुक जो कि डिप्रेशन के ऊपर है, वो आप सबको फ्री गिफ्ट मिलेगी. आप लोग हमें कॉल करेंगे और हमारे कंट्रोल रूम में अपना एड्रेस लिखवा देंगे और इंशाल्लाह आपको वो हम जो है वो भिजवा देंगे आपके डोर स्टेप पे, आके वो बुक आपको मिलेगी और आप उसको पढ़ सकते हैं और आपको बहुत इसका फायदा होगा जिस तरह आपके और पेशेंट्स को जी हुआ है. और आज जी, जो लोग आज कॉल करते हैं और ये थर्सडे को फिर मिलेंगे जिल साइंसेस इंस्टीट्यूट में. अच्छा, और आप वहाँ पे भी देंगे और हम भी दे सकते हैं ना? अच्छा, अगर लिखवा दे तो मतलब क्यों नहीं. आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ आप वहीं पे लोगों को दें, हमें ना? बिल्कुल बिल्कुल देते, बिल्कुल है ना, हमारे भी तो पूरे टीम के लोग हैं ना. बिल्कुल सही. और डिप्रेशन तो देखें आजकल हर किसी को हो ही रहा है. बिल्कुल सही, बिल्कुल, सिवाय मेरे. नहीं, होता है, कुछ ना कुछ तो होता है जिंदगी में. बहुत से परेशानियां होते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से हम टेंस हो जाते हैं, जो क्रोनिक डिप्रेशन बन जाते हैं. और रिस मैं आपको बताऊं कि WHO के मुताबिक हर 5 लोगों में से 2 लोग डिप्रेशन का शिकार हैं. अच्छा, तो बात यह है कि हमें डिप्रेशन पे बहुत ताकीद करनी चाहिए और इसका खात्मे के लिए बहुत सारी चीज़ें, हमें बुक्स लिखनी चाहिए, शोज़ को बनानी चाहिए, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने चाहिए इसके लिए. बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका एक्चुअली सोल्यूशन हमारे अपने अंदर ही छुपा हुआ कहीं होता है. सिर्फ हमें उसको ढूंढना होता है, खोजना होता है, निकालना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि बेसिकली उसका सोल्यूशन है कहाँ छुपा हुआ. वेल, हम लोग आ जाते हैं ईमेल्स की तरफ. सबसे पहले मिसेस शाइस्ता ने ईमेल लिखी है हमें गुजरांवाला से, और वो ये पूछना चाह रही हैं कि जील साइंसेस बेसिकली है क्या और क्या उसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का बंदा? जी बिल्कुल, कोई भी ज्वाइन कर सकता है. जील मीन ग्रुप ऑफ एनर्जी. सो जील साइंसेस में अल्टरनेटिव मेडिसिन स्कूल है, स्कूल ऑफ हीलिंग एनर्जी है, स्कूल ऑफ माइंड साइंसेस है, स्कूल ऑफ योगा है, स्कूल ऑफ मेडिटेशन है, स्कूल ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट है, स्कूल ऑफ ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्सेस है. तो ये जिस स्कूल में कोई भी एडमिशन लेना चाहता है कर सकता है. और फिर ये शॉर्ट शॉर्ट कोर्सेस होते हैं, कहीं तकरीबन 3 घंटे का शॉर्ट एक वर्कशॉप होते हैं, कहीं 8 घंटे का होते हैं, 5 घंटे का, बस इसी तरह के एक शॉर्ट शॉर्ट वर्कशॉप से, जिसमें हम
टेक्निक्स बताते हैं और लोगों की पावर को अट्यून करते हैं। अच्छा, उमर का क्वेश्चन है, उनकी ईमेल है कराची से, और उमर जो है वो स्टूडेंट हैं बेसिकली बीकॉम पार्ट वन के, एंड ही वांट्स टू नो कि क्या एक आम इंसान की लाइफ में कोई चेंज आ सकता है। उन्होंने कोई प्रॉब्लम अपनी नहीं लिखी, बट ही इज सेइंग कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं रिगार्डिंग स्टडीज भी, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल, स्टडीज पे इसका बड़ा ज़बरदस्त असरात हैं, लाइक मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और दूसरे लिखने पढ़ने की जो सलाहियत है बढ़ जाते हैं, बेहतरी और शौक से इंसान पढ़ते हैं। दूसरे जो है ना, हमारे जिस तरह के गोल्स एम कुछ लोगों के होते अचीव नहीं होते, बेहतर तरीके से आप उसमें ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल कर लेते हैं और अपनी शख्सियत में चेंज लाते हैं। और जो स्ट्रेस होते हैं पढ़ने का और इम्तिहानात का जो होते हैं स्ट्रेस जो होते हैं, वो उसको उस लेवल को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सलाहियतें बेहतर तरीके से काम करते हैं। ये हर इंसान के लिए बड़े अहम है। अच्छा, यानी कि आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, तो फिर ये होता है कि आप बहुत ही, एक ये भी तो होता है ना कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप ये समझ रहे होते हैं कि आप में एक्चुअली खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, और वो कहीं शटर हो जाता है, तो उस वजह से भी आप समटाइम्स ये होता है कि आप सब कुछ याद करके जा रहे होते हैं, लेकिन आप उस वक्त एंड मौके पे भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कंफ्यूज होते हैं, या फिर खौफ और डर की वजह से, इम्तिहान का जो डर होता है, जो हाँ। पढ़ने का लिखने का कि ये हो जाएगा, मौके पे भूल जाते हैं। जैसे मेरे साथ भी हुआ है। बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं इंसान को ये, बिल्कुल आपके अल्फा वेव को जो माइंड से निकलते हैं उस अल्फा वेव को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें सुकून मिलते हैं। सुकून की वजह से जब डीप रिलैक्सेशन हमें मिलते हैं, तो हमें पढ़ने लिखने का जो सलाहियत है वो बहुत बेहतर हो जाता। मतलब तो हम रिकमेंड करेंगे कि जिन जिनके पेपर्स हैं वो ये ज़रूर ट्रीटमेंट लें, थेरेपी कराएं, इससे आपका एक आपकी एबिलिटी और ज़्यादा इन्हांस होगी, और आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही सिक्योर फील करते हुए आप जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में और ज़बरदस्त सा पेपर करके आएंगे। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? जोया बात कर रही हूँ कराची से। जोया, आप सुनाइए क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगी। जी जी प्लीज। वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है, खैरियत है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरे क्वेश्चन है जो करना चाहूँगी आपसे। जी डॉक्टर साहब, मुझे पहले तो ये बताएं कि स्किन है क्या और इसे नेचुरल तरीके से कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। मैं अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए काफी दवाइयाँ और क्रीम्स यूज कर चुकी हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन काफी खराब हो चुकी है। ये तो रिस से पूछे, रिस की स्किन माशाल्लाह इतना जबरदस्त, मुझसे अच्छी आपकी स्किन है, हम तो फिर मेकअप करके आते हैं, बट यू हैव माशाल्लाह गॉट वेरी गुड स्किन। जी मैं बताता हूँ आपको। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स ने मुझे ना धूप से निकलने से मना किया है, तो क्या मैं सारी जिंदगी अंधेरे में गुजार दूं? आप मेरे इस मसले का जरा सलूशन बता दें। क्यों मना किया हुआ है धूप में निकलने से? कहते हैं कि आप धूप में मत निकला करें, धूप जो है स्किन के लिए ठीक नहीं है। तो वो वाला गाना भी गाना चाहिए, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। वाह क्या बात है। चले जो आपको ऑनर जवाब देते हैं। मैं आपको देता हूँ, असल में डॉक्टर जो धूप से मना करता है, तो हमारी मेलानाइन एक मादा है जो बनते हैं, जो स्किन के लिए एक गदूद है बॉडी में, जो कि बनाते हैं मेलानाइन एक जो मादा है वो बनते हैं, और वो आपके स्किन को काला कर देते हैं। अच्छा। उसकी वजह से जब धूप को निकलते हैं, वो जब धूप की शुआएं पड़ते हैं उस पर, तो वो ब्लैक सूरत में नज़र आते हैं। आपने देखे होंगे जो ज़्यादातर लोग धूप में निकलते हैं, तो धूप की वजह से उनके कलर बिल्कुल ब्लैक हो चुके होते हैं। तो ये होता ये है कि इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है, जो गर्म शेर जगह हैं, वहाँ पर मेलानाइन मादा ज़्यादा बनते हैं, स्किन में बनता है। स्किन की जो है वो 3 लेयर्स है, वन इज़ एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबकुटेनियस। तो डर्मिस जो एक है, वो हमारे 27 डेज में चेंज हो जाते हैं। अच्छा। और जो दूसरा है, दूसरे लेयरों में इस तरह के कुछ तब्दीलियाँ की वजह से हमारी स्किन जो है ना वो फ्रेश नहीं रहती है। तो डॉक्टर आपने बजा है अपनी जगह पे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बातें हैं कि यहाँ पर ये होते हैं कि नेचुरल हमें ज़रूरत भी है, धूप की बहुत ज़रूरत है। ऐसे लोग हैं जो कि हम उसको तजवीज़ करते हैं कि आप अगर बाकी बॉडी को आप हिस्सा धूप को नहीं चाहते हैं, तो आप बॉडी के दूसरे हिस्से को लाजमी
क्योंकि विटामिन डी जो मिलता है और स्पेशली सुबह की जो शुआएं होती है, हाँ, धूप से तो बिल्कुल, धूप से बहुत से कुछ मिलता है, ये नेचर है। बिल्कुल सुबह स्किन के लिए, बालों के लिए अच्छी भी है धूप, लेकिन अगर वो आप अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाएं या जॉग पे जाएं, उस वक्त अगर आप 12 बजे के बाद ऑफकोर्स जब अगर धूप तब आप लेना चाहेंगे तो वो तो जाहिर है। बिल्कुल ये समुदाय हीलिंग एनर्जी में बड़ा बहुत अच्छा और बहुत अच्छा असर करता है। समुदाय हीलिंग एनर्जी से हम अपने स्किन को बेहतर बना सकते हैं। अजील साइंसेस में काफ़ी खूबियां हैं जो कि नेचुरल तरीके से हम अपना स्किन को बेहतर कर सकते हैं, और फिर धूप में फिर जहां पर भी हो आप कोई कुछ नहीं होते हैं, यानी हमें जो माहौल के मुज़िर असरात है उस साइड इफेक्ट से हमें बचा देते हैं, कट डाउन कर देते। जी बिल्कुल। अच्छा ये आपने क्या बताया, समदा हीलिंग एनर्जी। और इत्तेफाक से जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जो ईमेल है, वो भी समदा के बारे में ही है जी। और ये उज्मा है और इन्होंने ईमेल की है हमें कि नॉर्मली जो थेरेपीज होती हैं, जो डिफरेंट होती हैं थेरेपीज, लाइक वो जो दूसरे ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनमें और समदा हीलिंग एनर्जी में बेसिकली क्या फ़र्क है, क्या ये फास्ट ट्रीटमेंट है? हाँ जी बिल्कुल, दूसरे जिस तरह रिकी है और बहुत सारे हीलिंग मेथड्स हैं, लेकिन ये जो मेथड है ये इंस्टेंट है और फौरन असर करते हैं। मकसद अगर सिर्फ 2 घंटे के जो सेशन होती है उसमें अट्यून करते हैं और उस वक्त फील करते हैं एक इंसान। अच्छा। मकसद ये एक नेचुरल और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दूसरे मेथड से ये तकरीबन उन्हीं माहिरीन के निगाह से, जिस तरह रिकी की जो एक्सपर्ट्स हैं, रिकी की जो मास्टर्स हैं, वो कहते हैं कि समदा इज मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी इन द वर्ल्ड, और समदा जो है 70% ज़्यादा ताकतवर हैं रिकी से, समदा हीलिंग एनर्जी। लेकिन मैं कहता हूँ कि 90% ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि रिकी के ऑल काइंड ऑफ रिकी के मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल्स ऑटोमेटिकली अट्यून होते हैं समदा हीलिंग एनर्जी से। अच्छा, ओके, वेरी राइट। अच्छा, वी हैव अ कॉलर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? हनीफ मेहमान बात कर रहा हूँ। जी हनीफ साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो मौसम बड़ा प्यारा है, क्या प्लान है आपके? और जो हमारे बॉस बैठे हुए हमारे दिलों के शहंशाह जी डॉक्टर साहब जी, शुक्रिया शुक्रिया। हनीफ साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं आप? अलहमदुल्ला आप ठीक है, खैर। अच्छा, आपके पेशेंट है? नहीं, मेरा स्टूडेंट स्टूडेंट है। ओके। और बहुत ही एक अलग ही स्टूडेंट हूँ, स्पेशली स्टूडेंट हूँ। अच्छा माशाल्लाह, दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, हाउ लॉन्ग इट्स बीन, कब से आप इनकी क्लासेस ले रहे हैं? इनके तकरीबन एक पूरा साल हो गया, लास्ट जुलाई में मैंने एडमिशन लिया था इनका। अच्छा, और क्या आपको चेंजेस समझ में आई अपनी लाइफ में? के साथ अदर लोगों की लाइफ चेंज हो गई। आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो और व्यूवर्स हैं देखने वाले, उनको भी ये पता चले कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आते हैं। कोई क्वेश्चन है या जस्ट एप्रिसिएशन कॉल है आपकी? कोई क्वेश्चन है? हनीफ सर, बस मैं क्वेश्चन तो नहीं है, बस मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि समदा जील साइंसिस एक पावर ऑफ एनर्जी है, और इससे ये मैं इतना बता दूं कि मैं मैडम को कि मैं ब्लाइंड हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह सर ने एक नॉर्मल की तरह जैसे स्टूडेंट को डीप कहते हैं उस तरह मुझे यानी इससे बेहतर करके मुझे यानी स्टूडेंट रखा, और मैं एक अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ब्लाइंड भी, जो मेरी दोनों मैं दोनों आंखों से ब्लाइंड हूँ। अच्छा, ब्लाइंड तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी आंखों के आगे जो वाइटनेस हो गए थे जील साइंसेस के जरिए, जो समदा हीलिंग एनर्जी से मुझे यानी बहुत बेहतरी है, वो जो मेरी आई साइड जो बॉल थे एक में से बिल्कुल वाइट जो वाइटनेस थी वो क्लियर हो गई, दूसरे में भी क्लियर हो रही है। अच्छा, इंशाल्लाह ताला अन करीब रीजन भी आ जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल। और मेरी बॉडी लैंग्वेज और गुफ्तगू कर रहा हूँ, कभी किसी में एकदम यानी कंफ्यूज हो जाता था किसी से गुफ्तगू करते हुए। बिल्कुल, समटाइम इंसान डिप्रेस हो जाता है। बिल्कुल, पावर आ गए, सारे पावर है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद का जाती तो कर रहा हूँ लेकिन अदर दूसरों का भी इलाज कर रहा हूँ, और इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत से मैंने पेशेंट को
ठीक किया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, शफा मिन जानिब अल्लाह। बिल्कुल सही आपने फरमाया, अल्लाह किसके हाथ में तासीर दे दे, ये अल्लाह के ही हाथ में। हम तो बस कहना चाहिए वसीला होते हैं, जरिया होते हैं। सलामत रखे, सेहत ईमान के साथ रखे। बिल्कुल आमीन, बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा तो मतलब अच्छा मुझे याद पड़ रहा है कि एक डेढ़ साल पहले जब आपके इंस्टीट्यूट में आना हुआ था मेरा, तो एक और चैनल की तरफ से शायद आपको भी याद हो, तो उस वक्त जो क्लिफ्टन सेंटर में आपका जो ये इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एक बच्चा आया हुआ था एंड ही वाज आल्सो हैविंग द सेम प्रॉब्लम, उसकी भी आंखों का मसला था और आपने अपने कोई मेरे ख्याल 6 या 7 ट्रीटमेंट्स उसको दिए थे और उससे उसकी आंखें बहुत ज्यादा जो है वो उसको नजर आने लगा, नजर आने लगे। बिल्कुल, बहुत सारे पेशेंट रीज ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 100% ठीक होती हैं और कभी बस शिफा जो है वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, शिफा जो है एक मिन जानिब अल्लाह है। लेकिन ये है कि हम कोशिश करते हैं जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो स्टूडेंट्स है खुद ही अप्लाई करते हैं, खुद से जब हम उनको एक सेशन देते हैं, अट्यून करते हैं, उसके बाद अपना इलाज खुद करते हैं। यानी हनीफ साहब अपना इलाज खुद कर रहे हैं, हमने नहीं किए, जब तक खुद में विल पावर ना हो जी। बिल्कुल, उनको अट्यून करते हैं हम, उसके बाद अपना इलाज वो खुद ही करते हैं और ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्रोनिक डिजीज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते हैं जो कि खुद स्टूडेंट्स, यानी हनीफ साहब का भी क्लिनिक है और बहुत से मेरे स्टूडेंट्स के क्लिनिक्स हैं। अच्छा। जो कि क्लिनिक्स चला रहे अल्हम्दुलिल्लाह कराची में, पूरे पाकिस्तान में, दूसरे ममालिक में है, मेरे तकरीबन हज़ारों स्टूडेंट्स हैं और मैंने काफ़ी इलाज तो काफ़ी किए हैं, बहुत इलाज किए, पाकिस्तान में फ्री कैंप्स लगाए, करोड़ों लोगों का इलाज किया मैंने। नहीं, हमें पता लगता रहता है जो आपकी वर्कशॉप्स भी होती हैं, जो आपके कैंप्स भी होते हैं, तो बहुत अच्छा है जिस तरह से आप ये हमारी सोसाइटी में एक तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं और ये जिस तरह से मतलब क्योंकि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कोई एक बंदा नहीं कर सकता, कम्बाइन एफर्ट्स होती हैं। जी बिल्कुल। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट ईमेल की तरफ और असल में जो है ना जिंदगी लोगों के इतने हुई अच्छा, एक पता है डॉक्टर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो हमारे लड़के में खाले वो कुछ ज्यादा ही डिप्रेस हुए हैं। एक साहब, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, ठीक है, और ये पूछना चाह रहे हैं कि इन्होंने, इनकी एजुकेशन मास्टर्स है बट स्टिल आफ्टर दैट उनको अच्छी जॉब अवेलेबल उनके लिए नहीं है, तो वो बहुत डिप्रेस्ड है और वो ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, क्या मैं अल्लाह ना करे सुसाइड कर लूं, तो क्या कुछ ट्रीटमेंट है मेरे जहनी जो एक चल रहा है जी? ये एक मायूसी होते हैं तो हालांकि एक अशरफुल मखलूकात को और एक मुसलमान को तो बिल्कुल मायूसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमें इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा गया है, हमें किसी काम के लिए किसी खास ड्यूटी लगाई है हमारी जी। तो सुसाइड ऐसे लोग सोचते हैं जो कि जिस पे अल्लाह पे कम बिलीव होती है, अपने आप पे बिलीव नहीं होते, तो बिलीव अल्लाह पे और अपने आप पे करनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग इरादा रखनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। एक तो ये है, एक टेक्निक है जो कि आप अपने साथ हमेशा शीशे के सामने खड़े होकर और शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने आप को सजेशन दें। अच्छा, कि मैं ठीक हूँ, मैं बेहतर हूँ और मैं बेहतर से बेहतर होते जा रहा हूँ और मैं सही मकसद, कॉन्फिडेंस है मुझ में, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अचीव कर सकता हूँ अपने गोल्स को। ये सजेशन जब आप देते हैं अपने आप को तो ऑटोमेटिकली आप में एक जान, एक ताकत आ जाता है और फिर जब आप ये सजेशन देते हैं कि आप अशरफुल मखलूकात है और अल्लाह ताला ने आपको वैसे ही आप माशाल्लाह सुपीरियर हैं एक तरह से, बहुत सारे ताकतों से मलामाल किए हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इस तरह के मायूसी कभी खुदकुशी पे कोई सोच नहीं सकता। तो मुश्किलात तो आता रहता है जिंदगी, मुश्किलात कहें और बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो फिर आसानियों की अहमियत नहीं होती। बिल्कुल, दुख ना आए तो फिर खुशियों की कदर नहीं होती। और इसके अलावा एक ये बात भी है ना कि आप हमेशा ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने अगर कोई एक चीज आप में कम रखी है या कम दी है फिलहाल, तो वही एक चीज जब दूसरे को ज्यादा दी है तो एट द सेम टाइम जो उसके पास कमी है वो आपके पास पूरी की है अल्लाह ने। बिल्कुल, अगर किसी को नजर नहीं आता तो आपने देखा होगा कि उसके सुनने की हिस्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, सुनने के नहीं देखने की भी होता है। यकीन माने ये हनीफ साहब बहुत दूर से आते हैं, अकेला में आते हैं, अकेले चले जाते हैं। सही, हमारे वो जो सिक्स सेंस तो होती है, हमारे एक कॉलर भी है, हम कॉल ले लेते हैं फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? हां जी, मैं बिशारत बात कर रहा हूं, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी जी। बिल्कुल बात कीजिए।
कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपका बुक पढ़ा था, द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ हीलिंग एनर्जी, बाजार से लेके। जी जी। एंड वहाँ से मुझे आपके बारे में मालूम पड़ा, एंड मैं ये जरूर कहूँ आप जैसे डॉक्टर होना हम लोगों की जो है ना खुशनसीबी है। शुक्रिया। आप जैसे डॉक्टर यहाँ पर पाकिस्तान में जो ना हमें खिदमतें दे रहे हैं। शुक्रिया। एंड मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया हूँ ना जी, तो डॉक्टर ने मुझे चलने फिरने से भी मना किया, एक्सरसाइज से मना किया है, जिसकी वजह से मेरा जो कारोबार है वो बिल्कुल खत्म हो रहा है। एंड मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे कोई और सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो मैं इसके हवाले से बहुत परेशान हूँ, इस मसले का मुझे कोई हल बताए ना। जी बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको। थैंक यू फॉर कॉलिंग, आपको ऑनर जवाब देते हैं। जी मोटापा एक वाकई एक बहुत गंभीर मसला है हमारे माशरे में और दूसरे ममालिक में, जो कि आजकल मेडिसिन लोग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमें। तो मोटापे का जो है इलाज 100% है, योगा में है, कुछ एक्सरसाइज कर ले, कुछ डाइटिंग जो है, फाइबर लें, गजाए से पल जो है ना, और फ्रूट्स है और जो सब्जियां हैं, इस तरह अच्छा, चीज़ों का इस्तेमाल करें। ऑटोमेटिक कुछ है इसका इलाज, जैसे कि समदा हीलिंग? बिल्कुल, समदा हीलिंग एनर्जी में है 100%। आप डे इंस्टेंट योगा से आप वजन को कम कर सकते हैं। अच्छा। थोड़ा बहुत आपका समदा हीलिंग हेल्प कर सकते हैं, और साथ साथ हम थोड़ी सी डाइटिंग बताते हैं। तो ये तीन चीज़ें जब मिल जाते हैं, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल बताते हैं कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो, अपने ख्याल को थोड़ा सा चेंज करो। एक चीज़ जो आपके लिए बहुत आपको मोटापे की तरफ ले जाते हैं, जंक फूड है, फूड्स है, और दूसरे जो है अगर ऐसे कोई चीज़ें हैं जो आपको मोटापे की तरफ ले जाते हैं, या ज़्यादा कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, या फिर कम सोने की वजह से भी। अच्छा, कुछ लोग ये भी तो होता है ना कि गुस्से में या फिर किसी डिप्रेशन में भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार बिल्कुल भी होते हैं, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें मैं जो है उसका तशखीस करके फिर मैं उसको तजवीज़ करता हूँ वो चीज़ों को, कि आपने किस तरह अपना इलाज करना है। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपके पास विजिट भी तो किया बिल्कुल जाए। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल तरीके से आप अपना इलाज किस तरह करेंगे, ये जिसके एक ज़रे के बराबर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों स्टूडेंट हैं, अभी तक एक शख्स को भी एक जरी के बराबर कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है इस चीज का। बिल्कुल सही। और 100% फायदा होता है इसका। तो ये जो एक नेचुरल तरीका है, एक नेचुरल वे है, इसके लिए आनी चाहिए लोगों को, हमें बुलानी चाहिए, इस पे बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए। और बहुत शुक्रिया के, और शुक्रिया सारी तमाम मैनेजमेंट के, बिजनेस प्लस के, और आपकी जो मुझे यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। और हम तो एक तरह से पता है हमारी कोशिश होती है डॉक्टर साहब कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों के मसाइल को भी हल करें, और साथ साथ हम इन्हें एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करें, तो आप इसमें हमारा साथ देते हैं। यकीन माने एक बहुत बड़ी खूबी है, एक बहुत बड़ी अच्छाई है हमारी इस चैनल का और सबका, जो है कि हम नेचुरल तरीके से नेचुरल लाइफ की तरफ लोगों को रागब करें, और क्योंकि हम जो है ना अननेचुरल साइड पे जा रहे हैं। बिल्कुल सही। ऐसे लोग हैं जिनके दुनिया की सारी खुशियाँ उनके पास होती है, लेकिन जब सेहत नहीं होती, आपको सारा दुनिया दिया जाए, थोड़ी सी दर्द आप फील करेंगे तो तमाम दुनिया आपको दिया जाए, उस पर आप कहेंगे कि ये तो मेरे लिए एक एक जरिए के बराबर, इसको कोई फ़ायदा ही नहीं मिले, मुझे तो सुकून चाहिए। लोग सुख के पीछे, सुकून के पीछे चलते हुए ऐसी चीज़ों पे मुफ्तला हो जाते हैं कि वो मकसद बड़ी अजीब किस्म के तंबाकू नोशी, किसी और चीज़ों पे। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि आज आपकी जो ये बुक है ना डिप्रेशन, मुझे लगता है काफी लोग चाह रहे हैं कि इसको ले लें, तो इतनी सारी हमें कॉल्स आ रही हैं माशाल्लाह, कॉलर भी हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सबा बात कर रही हूँ, डॉक्टर साहब के स्टूडेंट। जी बिल्कुल सबा, बात कीजिए डॉक्टर साहब से। ये सबा कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सबा? सबा बात कर रही हूँ आपके स्टूडेंट। जी जी, आज तो आपकी सारे स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं, बस मैं मुझे जी सबा बताएं, कोई सवाल है? मुझे आपके इलाज, मैंने यानी कि आपके क्लासेस भी लिए हैं, जिससे ना मुझे बहुत फायदा हुआ है।
अच्छा मेरे ना हाथ में ट्यूमर था, मेरा ट्यूमर 2 दिन में रिमूव हुआ है। हाँ हाँ याद आया। अच्छा अच्छा सभा, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल आपके हाथ में ट्यूमर था, बिल्कुल सही। अच्छा। बड़ा ट्यूमर था और 2 दिन में ठीक हुआ, बड़ी बात। और मेरे सर में भी ना बहुत दर्द रहता था, जो मैं अवेयरनेस करवाना चाहती हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है, आपके पास लोग आए, आपके सभा ये आपने, आपको किसी डॉक्टर को दिखाए हुए थे पहले ये ट्यूमर जो आपके खत्म हो? दिखाया था, उन्होंने मुझे ऑपरेशन का कहा था। अच्छा तो किस डॉक्टर को? मैंने आज की क्लासेस। अच्छा नाम ना ले, बहुत आराम आया। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो ठीक है फिर। दैट्स वंडरफुल सभा, ये एक बड़ी करिश्मा है, ये एक बड़ी लाग है। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे और फ्रेश लग रहे हैं, और हमारे शो में आके तो और अच्छे लग रहे हैं। आपके साथ बैठ के अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया सभा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और आप लोग जब हमें कॉल करते हैं और बताते हैं कि इस तरह से आप लोगों का ट्रीटमेंट किया गया, तो इससे और लोगों को अवेयरनेस होती है, और हम चाहते हैं कि ये बात जितने लोगों तक स्प्रेड हो सके वो हो, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हमें कॉल करें। की बात है रिज की, ट्यूमर जो मकसद जो इतनी इतनी गिल्टियां जो होती है जी 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 बॉडी पे, समदा हीलिंग एनर्जी उसको रिमूव करते हैं। हैरानगी आपको ये होंगे कि बगैर ऑपरेशन के, अच्छा बगैर कोई सर्जरी, बगैर किसी किस्म के कोई हाथ लगाए, बगैर कट, बगैर किसी चीज के, अच्छा गैब खत्म हो जाता है। हैरानगी यहाँ पर होते हैं कि अल्लाह का किस कितने बड़े दुनिया है, और अल्लाह ने क्या हमें नहीं दिए हैं नियमतें, तो अभी तक हमने पहचाने ही नहीं कि नियमतें होती क्या है। अल्लाह की जमीन के हर जर्रे में कुदरत झलकती है, और हम हर कोई इसको पहचान नहीं पाता। बहुत सी छुपी हुई चीजें जो अभी हम नहीं जानते, हमारी नॉलेज अभी बहुत कम है इस बारे में, आप अपने बारे में कम है कि हम खुद अपने आप को नहीं जानते कि हम क्या है, और हम अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जो हमारे पावर्स है उसको नहीं जानते जो अल्लाह ताला ने हमें दिए और हमें मलामाल किए। ऐसे ऐसे क्रोनिक डिजीज जो कि स्टूडेंट्स खुद करते हैं, स्टूडेंट खुद इलाज करते हैं, कैंसर जैसे बीमारियां, और बहुत क्रोनिक डिजीज जो है समदा हीलिंग एनर्जी से ठीक हुई है। ठीक है, और डॉक्टर साहब आज आपके जो भी कॉलर्स थे जिन जिनने हमें हमारे शो में ज्वाइन किया, उनको बुक मिलेगी समदा हीलिंग एनर्जी पे जो बेस कर रही है, और जो डिप्रेशन का इलाज करती है वो आप क्लिफ्टन सेंटर से भी जाके थर्सडे को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो लेट अस नो लाइक यू जो आपका जो एड्रेस है या जो भी जहाँ भी आप चाहें हम डिलीवर करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट संडे को मुलाकात हो रही है विद सम अदर टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को संडे को मैं बड़ा अच्छा टॉपिक और बहुत अच्छी टेक्निक्स बताऊंगी। ठीक है, और कुछ आपने प्रैक्टिकल भी जी बिल्कुल प्रैक्टिकल भी समदा को इंशाल्लाह प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे, आपको फील कराएंगे या किसी और को भी फील करवा सकते हैं। हाँ श्योर, हम बात कर लेंगे, हम पूछ लेंगे अपने डायरेक्टर से इफ ही इज गोना अलाउ कि कोई और आके अगर आप उन्हें कुछ प्रैक्टिकल उनके साथ कुछ करना चाहें, या अदरवाइज मैं तो मौजूद हूँ। अब देखें मेरे व्यूवर्स मुझे अलाउ करते हैं कि नहीं, ऐसा ना कि इसके बाल खड़े हो जाएं या इसकी यादाश्त चली जाए, खुद डायरेक्टर साहब को फील कर। सही है, बस ठीक है, बस ठीक है, सुन रहे हैं आप डायरेक्टर साहब, अब आपके साथ जो होने वाला है बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त है। चलें ठीक है, बिजनेस प्लस बहुत अच्छा, और बहुत एक शो बहुत बड़े जबरदस्त, मैं आता हूँ यहाँ पर एक सुकून, एक अच्छी फीलिंग्स होती है, क्योंकि सबसे अहम बात है कि एक बड़े प्रोग्राम बड़े जबरदस्त होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद आपके साथ और हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद अली तबस्सुम साहब, सो कहीं नहीं जाइएगा एंड स्टे विद अस।